हिमाचल प्रदेश की जयराम सरकार द्वारा समय समय पर जनजातीय सलाहकार परिषद की बैठक ना कराने पर जनजातीय क्षेत्र के लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। जिला किन्नौर के विधायक जगत सिंह नेगी ने रिकांगपियो में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन जनजातीय क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए किया गया है। उन्होंने जयराम सरकार पर संविधान को ताक पर रखकर कार्य करने का आरोप लगाते हुए कहा कि जब से जयराम सरकार बनी है उसके बाद जनजातीय सलाहकार परिषद की बैठक जो साल में दो बार करवाया जाना संवैधानिक रूप से अनिवार्य होता है, उसी सरकार ने तीन साल के बाद 10 जनवरी को ऐसे समय में करवाया जब पूरे क्षेत्र में बर्फ पड़ी हुई थी और इस बैठक में इनके अपने ही सदस्य नहीं पहुंचे। उन्होंने कहा कि सूरत नेगी को जनजातीय सलाहकार परिषद के सदस्य से निलंबित करने के लिए बैठक में मुख्यमंत्री से कहा गया, लेकिन आज दो साल बीत जाने के बावजूद भी सूरत नेगी को जनजातीय सलाहकार परिषद की सदस्यता से नहीं हटाया गया है। दो तो आप छोड़िए, दो साल में एक बैठक नहीं हुई, तीसरे साल में बैठक हुई, वो भी बर्फबारी के समय। बहुत सारे हमारे जनजातीय क्षेत्र के लोग जो इनके ही नॉमिनेटेड थे वो लोग नहीं पहुंच पाए, और हम लोग तो बाय चांस शिमला में थे इसलिए पहुंचे, अन्यथा हम लोग भी उससे वंचित हुआ थे। और इसमें सबसे बड़ी बात थी कि जो नियम थे उसको दरकिनारे किया गया। जो लाभ के पद पर बैठा हुआ कोई सरकार में, जैसे वन निगम का उपाध्यक्ष है, लाभ का पद है, तो उनको इसका मेंबर नहीं बनाया जा सकता था, और उन्होंने सूरत नेगी को फिर भी मेंबर बनाया। जब मैंने ये बात माननीय मुख्यमंत्री जी के ध्यान में लाया, उसके बाद भी माननीय मुख्यमंत्री जी जो हक्के बक्के बैठ के जो है आगे कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। आज मीटिंग खत्म होके 10 जनवरी से आज फरवरी का महीना भी जाने आ रहा है, अभी तक भी उनको जो है ये सूरत नेगी को उस पद से नहीं हटाया गया। इससे साफ पता लगता है कि किस किस्म की कारगुजारी हिमाचल प्रदेश में हो रही है। संविधान की हत्या की जा रही है, नियमों को दरकिनारे किया जा रहा है, अपने चहतों को जो है बेवजह बिना किसी किस्म के कोई अधिकार के उनको फायदा पहुँचाने के लिए आगे किया हुआ है।